हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की पहली न्यूज़ है हैदराबाद एफसी फैंस के लिए। हैदराबाद ने उड़ीसा एफसी के स्ट्राइकर अरिदान संताना को साइन इन कर लिया है। अरिदान संताना एक 33 वर्षीय स्पेनिश सेंटर फॉरवर्ड हैं। अरिदान संताना की मार्केट वैल्यू 25 मिलियन रुपीज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा वैल्यू है और काफ़ी नॉर्मल वैल्यू है किसी भी क्लब को साइन इन करने के लिए। ISL में अरिदान संताना ने लास्ट सीज़न ओडिशा FC के लिए 14 मैचेस खेले थे, जिनमें उन्होंने 9 गोल्स दागे थे और 2 असिस्ट भी प्रोवाइड किए थे, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन माना जाता है नॉर्मली ये किसी भी सेंटर फॉरवर्ड के लिए। और अरिदान संताना को लालीगा 2 का भी एक्सपीरियंस है। लालीगा 2 में उन्होंने कुल मिला के 105 मैच खेला है, जिनमें उन्होंने 17 गोल्स दागे हैं और 5 असिस्ट भी प्रोवाइड किया है अपनी टीम के लिए। तो हैदराबाद FC को एक दमदार स्ट्राइकर मिल चुका है, जो कि नॉर्मली 90 मिनट्स तो खेल ही सकते हैं अपने टीम के लिए, और हैदराबाद FC के फैंस काफ़ी खुश भी होंगे इस न्यूज़ को सुनकर। अगली न्यूज़ बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली न्यूज़ है नारायण दास को लेकर, जो कि एक 26 ईयर ओल्ड इंडियन लेफ्ट बैक हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 18.75 मिलियन है। सुनने में आ रहा है कि ओडिशा FC ने नारायण दास के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया है और वो अब नारायण दास को अगले सीज़न के लिए साइन इन नहीं करना चाहते हैं, और जबकि 3 इंडियन क्लब्स नारायण दास के पीछे पड़ी है उनको साइन इन करने के लिए, और वो 3 क्लब है ईस्ट बंगाल, चेन्नई FC और जमशेदपुर FC। नारायण दास काफ़ी अच्छे और काफ़ी सस्ते लेफ्ट बैक साबित हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए, इसीलिए ये 3 इंडियन क्लब्स उनके पीछे पड़ी है। और नारायण दास को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है दोनों आई लीग और ISL का भी। ISL में नारायण दास ने 86 मैचेस खेला है, जिनमें उन्होंने 5 असिस्ट भी प्रोवाइड किया है, और आई लीग में नारायण दास ने 55 मैचेस खेला है और 2 गोल भी प्रोवाइड किया है। नारायण दास अगर किसी भी टीम के लिए खेले तो वो टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, भले ही वो टीम ईस्ट बंगाल हो या फिर चेन्नई हो या फिर जमशेदपुर FC हो। अगली न्यूज़ जो कि बड़ी बड़ी न्यूज़ बन चुकी है आजकल, अनवर अली को लेकर। अनवर अली जो कि मुंबई सिटी FC के लिए 3 सीज़न खेल चुके हैं, अब AIFF को पता चल गया है कि उनको एक हार्ट डिजीज़ है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खेल सकते फुटबॉल, और उनका ज़्यादा भागना दौड़ना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है उनके जान को लेकर। अनवर अली एक 20 वर्षीय सेंटर बैक हैं और उनका मार्केट वैल्यू 14.717 मिलियन है। अनवर अली ने बोला है कि अगर मैं फुटबॉल नहीं खेला तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं बचेगा कमाने के लिए, तो इसलिए मोहम्मदन FC जो कि ISL सेकंड डिवीज़न की टीम है, उन्होंने कहा AIFF से कि हम अनवर अली को अपने टीम में खिलाएंगे और उनको 60 मिनट से कम मिनट्स खिलाएंगे, लेकिन हम उनको अपनी टीम में खिलाना चाहते हैं। अनवर अली ने आई लीग में 34 अपीयरेंसेस भी किया है और काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।